subscribe and press the bell icon to never miss a video from news. अपना रोजगार करती थी, प्रेस करती थी, कपड़े धोती थी। हाँ। और तो अपना जीवन चलाती थी। होगी आपने घर पाने के लिए कोशिश नहीं किया साहब, नहीं किया सर। किसी ने हमको ध्यान ही नहीं देता था कि ऐसा मकान बना के देंगे। हाँ। हमें आप जैसे प्रधानमंत्री मिले, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, आशीर्वाद दूंगी सर। आपके जैसे प्रधानमंत्री इस भारत में बहुत जरूरत है आपकी। मैं आपके आशीर्वाद के लिए आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन हम सभी माताएं, हम जैसे गरीबों के लिए, हाँ, हम जैसे गरीबों के लिए आप ऐसे ही काम करते रहेंगे और भारत में आप ऐसे ही बने रहेंगे। बस आपके सपने पूरे हो, इसके लिए हम पूरी तरह कोशिश करेंगे। और आपको मकान मिल गया, मुझे अच्छा लगा। और सभी माताएं बहनें जो बैठी हैं, मैंने हर एक के चेहरे पर बड़ा खुशी देख रहा हूं, मैं आनंद देख रहा हूं। सब खुश हैं सर। हाँ, सब खुश हैं सर। बस यही, अपने अपने बच्चों की पढ़ाई हो रहा है, सबके लिए सब खुशी है। आपकी खुशी के कारण मुझे काम करने की और हिम्मत आ जाती है, और ज्यादा काम करने का मन करता है। हम आप जैसे प्रधानमंत्री पाकर धन्य हुए सर, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री बनाया, तरक्की करे। अरे प्रधानमंत्री तो आपने मुझे बनाया है। लेकिन सर हम गरीबों की गरीबी आपने दूर किया है। बस आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सभी मध्य प्रदेश के वासियों को भी, जिनको मकान मिला है उनको मेरी शुभकामनाएं, और जिनको मकान मिलने वाला है उनको भी शुभकामनाएं। और मैं देश के सभी गरीबों से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम 2022 तक हर परिवार को मकान देना चाहते हैं। और ये काम बड़ी तेजी से करना है, सबके लिए करना है। किसी को 2 महीने पहले मिलेगा तो किसी को 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। ये मेरा काम है और मैं करूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके दर्शन करने का, आपका आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय।